अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अज़ान और आप देख रहे हैं वीडियो विद अज़ान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफ़ी यूनिक किस्म की वीडियो ले रहे हूँ, और यूनिक एक्चुअली ये है खाने पीने के रिलेटेड ही। और जो यूनिक का लफ्ज़ है मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि आज जो मैं खाऊँगा घर में ही खाऊँगा, लेकिन बाहर का कुछ खाऊँगा। एक्चुअली गखर मंडी में उमैर पिज़्ज़ा क्लब के नाम से काफ़ी फेमस, मतलब मैंने दो चार जगह सुना है कि उनके काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं टेस्टी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, उनका जो मयार है वो काफ़ी अच्छा है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि उनका जो एक जिंगर बर्गर है ना वो टेस्ट करूँ। और उनकी खास बात वो ये हाईलाइट करते हैं कि वो थाई का चिकन पीस बीच में लगाते हैं और उसका टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, और वो जस्ट होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, उनकी कोई आउटलेट वगैरह नहीं है। तो आज मैं आपके सामने उनको कॉल करके तीन जिंगर बर्गर मंगवाऊंगा, और जब वो आएंगे तो तब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि उनका टेस्ट किस तरह का है, उसकी लुक वगैरह दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो जो प्राइस को जस्टिफाई करते भी हैं या फिर नहीं। और उनको भी नहीं पता कि मैं उनके साथ क्या करने वाला हूँ, मतलब उनकी जो फ़ोन रिकॉर्डिंग है वो भी आप तक मैं पहुँचाऊँगा, मतलब आपको बताऊँगा कि उनका अखलाक वगैरह किस तरह का है। और इसके अलावा बट वो मैं रिकॉर्डिंग के बाद उनसे परमिशन लेके फिर अपलोड करूँगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा दूसरा चैनल सी टेक है उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, अब मैं कॉल करने लगा हूँ मैं पिज़्ज़ा क्लब पे, और अब उनको तीन बर्गर्स ऑर्डर करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने बजे ऑर्डर किए और कितने बजे मुझे आएंगे, तब वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी टाइम जो हो रहा है 10:05 हो रहे हैं, एग्जैक्ट 10:06 हो चुके हैं। तो 6 मिनट पर मैं 10:06 पर कॉल करूँगा, पूछते हैं कि वो कितना टाइम कहते हैं। आपको इससे सर्विस का भी आइडिया होगा कि उनकी जो सर्विस है वो किस तरह की है। तो कॉल करता हूँ उनको और तीन बर्गर्स ऑर्डर करते हैं। वालेकुम सलाम, उमैर पिज़्ज़ा क्लब भाई, मैंने पूछना था जिंगर बर्गर मिल जाएगा अभी? मिल जाएगा। क्या प्राइस है एक जिंगर बर्गर की? 180 जी। तो तीन बर्गर मुझे चाहिए, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। तो और इसके अलावा क्या क्या कुछ होता है आपके पास? आपका व्हाट्सएप बना हुआ है इस नंबर पे? जी व्हाट्सएप बना हुआ है मेरा। और नाम क्या है आपका? अजान। अजान, मैं आपको सेंड करता हूँ। अच्छा, मैंने वैसे फेसबुक पे देखा तो है, लेकिन वैसे मुझे काइंडली थोड़ा सा बताएंगे कि मतलब कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा चलती है, अच्छी कौन सी चीज़ है? सारा कुछ ही ज़्यादा चलता है, जिंगर भी और पिज़्ज़ा भी। तो जिंगर में क्या स्पेशल है, आपको महंगा है काफ़ी जिंगर? जिंगर में जी भाई थाई का चिकन। थाई का चिकन है, तो इसमें कोई फ्लेवर वगैरह भी होते हैं कि रेगुलर ही होता है? होता है, तो मैं वो कह रहा हूँ आपको सेंड करता हूँ मैं। चले मुझे मेन्यू सेंड करें फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ओके जी। तो फ्रेंड्स वो कह रहे हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप पे जो मेन्यू है वो सेंड करता हूँ, तो उसमें कोई फ्लेवर्स वगैरह हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि जो सभी आइटम्स हैं वो मेरे पास आ जाएं और उनमें से मैं फिर डिसाइड कर लूँ। तो बट मैंने मंगवाने तो जिंगर बर्गर ही हैं, तो मैं उनमें से अगर कोई फ्लेवर की ऑप्शन हुई वो मैं ऑर्डर करूँगा, तो वो फिर मैं आपको बता दूँगा कि मैंने कौन सा ऑर्डर किया है। तो अभी 10:00, तो मैं टाइम बता देता हूँ आपको, 8 मिनट हो गए हैं, तो इतने बजे मैंने कॉल किया, तो जब ऑर्डर करूँगा एक्चुअली तब मैं आपको बता दूँगा कि मैंने कितने बजे ऑर्डर किया और आया कितने बजे, उन्होंने कितने मिनट का मुझे टाइम कहा था। तो चलें फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, मैंने मेन्यू तो देख लिया है, तो मेन्यू में मुझे फ्लेवर तो कोई भी नहीं नज़र आया, जस्ट बर्गर्स में आइटम्स थी, मतलब जिंगर बर्गर है, एक ज़रा अच्छे वाला जिंगर बर्गर है, डबल पैटी बर्गर, चिकन बर्गर, ये वो वाली वैरायटी थी। तो मैं सिंपल जो जिंगर बर्गर्स हैं वही मैं ऑर्डर करवाने लगा हूँ, तीन बर्गर। तो फिर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूँ, जैज़ का जो नेटवर्क है ना बहुत ज़्यादा गंदा तरीन नेटवर्क है, कॉल ही नहीं जा रही। ये देख उनका नंबर ऑन है, मैं दोबारा फ़ोन करूँगा देखना ऑन मिलेगा। ये जायज़ वाला बंदा क्या करे, ये देख ये अभी बंद था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, जो सिंपल जिंगर बर्गर है ना आपका 180 वाला जी, वही तीन बर्गर करने हैं, ठीक है? मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, तो कितना टाइम लगेगा ये सर? टाइम लगेगा, एड्रेस चाहिए ना फिर बताता हूँ। 30 से 35 मिनट लगेंगे। अभी 10:13 हो रहे हैं, तो कितने बजे तक मतलब आप मैक्सिमम आ जाएगा? 30 से 35 मिनट बन रहे हैं, कोई 43 मिनट मतलब 10:43 या मतलब 10:40-50 तक अंदाजन। चले ठीक है, ज़रा बेहतरीन से ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ओके अल्लाह हाफिज़।
जी। तो फ्रेंड जिस तरह आपने देखा कि तकरीबन 30 से 35 मिनट कह रहे हैं, उस हिसाब से अभी 10:13 हुए हैं, और अगर 30 मिनट लगते हैं तो 10:43 मतलब 10:43 पे आएगा, और अगर लगते हैं इसमें तकरीबन 35 मिनट जो कह रहे हैं 35 मिनट्स, उस हिसाब से 10:48 बनते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चल सके कि जो इनकी डिलीवरी सर्विस है जितना टाइम वो बताते हैं वो क्या एक्चुअल में उतना टाइम लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम। और बाकी आपने जो कॉल सुनी, कॉल तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बात की, बाकी उसके बाद टेस्ट वगैरह देखेंगे, बाकी चीज़ें वगैरह बाद में देखेंगे। और अगर मुझे इनका टेस्ट वगैरह अच्छा लगा, मैार अच्छा लगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका जो सेटअप है वहाँ पे भी विजिट करूं और टोटल इनका चेक करूं कि इनका किस तरह का सेटअप है और क्या क्या कुछ लगाते हैं, सभी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं कि कैसे ये तैयार करते हैं। तो चले फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे, और जब आएगा हमारे पास ऑर्डर तो तब मैं आपको बताऊँगा कि टेस्ट वगैरह के बारे में। जी तो फ्रेंड्स हमारे जो बर्गर्स हैं वो आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं इनकी पैकिंग, उमेर पिज़्ज़ा क्लब गखड़, और इनकी अपनी पैकिंग है, और आप देख सकते हैं फ्री होम डिलीवरी। नीचे इनका फ़ोन नंबर भी है, दो फ़ोन नंबर्स हैं, और नलकला रोड गखर मंडी। तो इस तरह की पैकिंग है, पैकिंग तो अच्छी बनाई है इन्होंने। तो उसके बाद ये है हमारा बर्गर, इस तरह के तीन बर्गर्स हैं, तो साइज़ वाइज आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम रखते हैं किसी चीज़ में, तो फिर उसके बाद खा के मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ कि टेस्ट वगैरह किस तरह के, और बाकी जो चीज़ें वो बाकी सारी बाद में करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि इन्होंने 30 से 35 मिनट्स का कहा था कि डिलीवरी टाइम, और ऑलमोस्ट 35 से 36 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे कॉल आ गई थी, और उसके 2 से 3 मिनट बाद जो मुझे बर्गर्स हैं डिलीवर हो चुके थे। मतलब तकरीबन तकरीबन आप कह रहे हैं कि 40 मिनट के अंदर अंदर मुझे जो बर्गर्स हैं वो मिल गए थे। तो वो भी इनकी सर्विस अच्छी है, ऑलमोस्ट कोई 5 मिनट का आप कह सकते हैं जो उन्होंने कहा था उससे डिफरेंस आया। ये तो फ्रेंड्स बर्गर हमारा आ चुका है, तो मैंने अभी तक इसकी एक बाइट ली है, वो मैंने स्लो मोशन बनाने के लिए ली थी, तो मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। अभी मेरे मुँह पानी आ रहा है, मैं ज़रा इसको एक दफ़ा सही अच्छे तरीके से खा के ना ऐसा पूरा एक जो इसकी बाइट पूरी लेके इसकी काटी करके पूरी, फिर मैं वो बताता हूँ। अच्छा ये 180 रुपये का बर्गर है, साइज में ज़रा छोटा है, लेकिन यार वाकई मज़ेदार है। सही कह रहे थे वो, थाई का इसमें पीस है, और वाकई थाई का पीस है, और टेस्ट भी इसका जो है ना मुझे अच्छा लगा है। मतलब गखर भी आप कह सकते हैं इसको कि वन ऑफ द बेस्ट जिंगर बर्गर्स है। बेस्ट का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने 100% जो बर्गर्स हैं गखर के वो टेस्ट नहीं किए, बट ऑलमोस्ट मैंने जो सभी टेस्ट किए उनमें से आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट जिंगर बर्गर है ये। प्राइस भी अच्छी है चीज़ के हिसाब से, मतलब क्वालिटी वगैरह के हिसाब से। वैसे साइज थोड़ा सा छोटा लगा था, बट जो चिकन है ना वैसे आप इसमें काफ़ी अच्छा है, मतलब हैवी है वो, ब्रीक वगैरह वाला मामला नहीं है, मोटा चिकन है। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, चिकन जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो सॉस है वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसका। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो उमैर पिज़्ज़ा क्लब काफ़ी अच्छा बर्गर है इनका, कोशिश करेंगे कि इनका जो सेटअप है वो भी विजिट करें। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को, और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।